बंधु, भगवान की उपासना ना तीन प्रकार से होती है। एक होती है भाव से, एक होती है षोडशोपचार और एक होती है राजोपचार। राजोपचार भक्ति देखनी है तो हमारे ठाकुर जी की सेवा देखो। हम जिनके घर में रुके हैं उनके ठाकुर जी की सेवा देखो। आज यहां देखे इनके ठाकुर जी की सेवा, ये क्या है? ये राजोपचार सेवा है। राजा धीराज की तरह, ठाट बाट की तरह ठाकुर जी बैठे हैं, बढ़िया अपनी सेवा करा रहे हैं। कहीं कहीं षोडशोपचार होती है, पूरे दिन पूजा अर्चना चलती रहती है, कभी हवन, कभी होम, कभी कुछ, कुछ ना कुछ चलता ही रह रहा है, उसी से ही ठाकुर जी की आराधना चल रही है, वो षोडशोपचार। और कहीं कहीं भावोपचार, केवल भाव। कोई बंदर नहीं है, कोई पाषाण नहीं है, कोई धातु नहीं है, केवल भाव में भगवान और उनकी सेवा चल रही है। ये बहुत ऊंची स्थिति है, ये करना असंभव मात्र है। उसके लिए बहुत मेडिटेशन, बहुत ज्ञान, बहुत दीनता, सरलता, सहजता, संत सेवा आदि बहुत कुछ जरूरी है, तब जाकर के भावोपचार वाली सेवा हो सकती है। तो ठाकुर जी चैतन्य है, जो जैसे भजेगा ठाकुर जी उससे वैसे प्रसन्न हैं।